हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है सोलेनेसी फैमिली, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। मेरी और ज़्यादातर लोगों की ये फेवरेट फैमिली है क्योंकि इसमें हमारा फेवरेट आलू और बैंगन आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली है जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और इसकी जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के मेंबर हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टैक्सोनॉमी ऑफ सोलेनेसी। तो सबसे पहले सोलेनेसी की हैबिटाट या उसकी टैक्सोनॉमी जानने से पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लास डाइकोटिलेडोनी, सब क्लास गैमोपिटेली, सीरीज बाइकार्पलेटी, ऑर्डर पॉलियोमोनियल्स और फैमिली सोलेनेसी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कहां कहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये फैमिली जो है इसे कॉमनली पोटेटो फैमिली कहते हैं, आलू की फैमिली इसे कहा जाता है। ये एक लार्ज फैमिली है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर फैली हुई है। यहाँ पर इसके कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो टेम्परेट रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। इस फैमिली के अंदर 2000 स्पीसीज और 90 जेनेरा हैं, जिसमें से इंडिया के अंदर इसकी 21 जेनेरा, जिनकी 70 स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती है। टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें तो ज़्यादातर जो है इनके अंदर हर्ब्स होते हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना, पिटूनिया एल्बा, निकोटियाना स्पीसीज, लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम यानी कि टमाटर, डेट्यूरा स्ट्रिमोनियम, डेट्यूरा फेस्ट्यूसा, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम मेलोंजीना, विदानिया सोमनीफेरा और कैप्सिकम एनुअम, ये सभी जो हैं यहाँ पर हर्ब्स हैं। श्रब्स की बात करें तो लाइकियम अरेबिकम, विथानिया कॉगुलेंस, सोलेनम टॉर्वम, सोलेनम इंडिकम, सेस्ट्रम नॉक्ट्रूनम एंड सेस्ट्रम डाइयुर्नम, ये सारे के सारे श्रब हैं। श्रब भी, क्लाइंबर भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोलेनम जस्मिनोइडिस। इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो ट्री हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, जैसे साइफोमोंड्रा बिटेसी एंड सोलेनेसी वर्बेसी फोलियम। ठीक है, रूट जो है अगेन यहाँ पर ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। स्टेम इनका एरियल होता है, इरेक्ट होता है, क्लाइंबिंग पाया जाता है सोलेनम जेस्मिनोइडिस के अंदर, हर्बेशियस होता है, वुडी हो सकता है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड या होलो, हेरी और ग्लेब्रस, अंडरग्राउंड स्टेम सोलेनम ट्यूब्रोसम यानी कि आलू के अंदर देखने को मिलता है। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है इनकी कोलाइन, रेमल, एक्स स्टिपुलेट, पीट्यूलेट, ससाइल, पीट्यूलेट भी हो सकती है, ससाइल भी हो सकती है, अल्टरनेट होती है, कभी कभी ऑपोजिट फिलोटेक्सी पाई जाती है, सिंपल लीव्स प्रेजेंट होती है, लाइकोपर्सिकॉम के अंदर एंटायर लीफ होती है, और इनके अंदर यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो ज़्यादातर जो इन्फ्लोरेसेंस इनमें देखने को मिलता है वो सॉलिटरी एक्जिलरी इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि एक्जिल से एक सिंगल फ्लावर निकलता है। इसके अलावा इनके अंदर अम्बिलेट साइन और हेलिकोड साइन इन्फ्लोरेसेंस जो है देखने को मिलता है। देखिए ये डेटोरा स्ट्रिमोनियम है, इसके अंदर सॉलिटरी एक्जिलरी इन्फ्लोरेसेंस शो हो रहा है, और वो जो उधर बना हुआ है वो है हेलिकोइड साइन इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो हैं इनमें ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट हो सकते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और जब भी कंप्लीट होते हैं मीन्स हर्मेफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममित होते हैं, पेंटामेरस होते हैं एंड हाइपोगाइनस फ्लावर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी फ्लावर हाइपोगाइनस होते हैं जो ओवरी है वो हमेशा ही सुपीरियर होगी। कैलिक्स की बात करें तो सेपल्स जो हैं इनके अंदर 5 होते हैं और गैमोसेपलस कंडीशन पाई जाती है। इस तरीके के ट्यूबुलर सेपल्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने धतूरे का फूल देखा है, डेट्यूरा एस्ट्रोमिनियम का कोई भी धतूरे का फूल देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि उसके जो सेपल्स हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो हैं फ्यूज्ड होते हैं, या फिर कैंपेन्यूलेट भी हो सकते हैं, वेलवेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनमें देखने को मिलता है, परसिस्टेंट होते हैं इनके जो कैलिक्स यानी कि सेपल्स जो है इनमें परसिस्टेंट होते हैं, ग्रीन कलर के या फिर कलर्ड हो सकते हैं,
हेयरी हो सकते हैं। आयोसाइमस और फाइसेलिस जो हैं इनके अंदर सेपल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं लार्ज होकर के, इस तरीके से जो फ्रूट होता है पूरा का पूरा उसके अंदर एनक्लोज हो जाता है और ये स्केली होते हैं और इन्हें एक्रिसेंट कहते हैं। जैसे कि यह आप देख सकते हैं ये फाइसेलिस का फ्रूट है, इसमें जो बाहर की कवरिंग है ये इसके एनलार्ज्ड सेपल्स हैं जिन्होंने इसको फ्रूट को पूरी तरीके से कवर किया हो किया हुआ होता है, और ये जो है इसके अंदर इसका बेरी फ्रूट होता है। सोलेनम मेलंजिना यानी कि बैंगन की बात करें तो बैंगन में जो सेपल्स हैं वो परसिस्टेंट होते हैं और एनलार्ज्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, कभी कभी स्पाइनी देखने को मिलते हैं, फ्लैशी होते हैं, और इस टाइप के सेपल्स को हम मैसेसेंट कहते हैं। बैंगन के ऊपर जो ये ग्रीन कलर की लीव्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ये इसके परसिस्टेंट सेपल्स होते हैं। कांटे वाले बैंगन जो आते हैं उनमें यहाँ पर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और ये जो है फ्लैशी पार्ट होता है। कोरोला की बात करें तो पेटल्स इनमें 5 होते हैं, अगेन यहाँ पर गैमोपेटेलस कंडीशन देखने को मिलती है। ट्यूबुलर या इनफंडिबुलिफॉर्म होते हैं, वेलवेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, स्केली होते हैं या फिर इनके अंदर स्केल या हेयर लाइक आउटग्रोथ जो है वो इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि कोरोला ट्यूब के गले में यानी कि थ्रॉट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये कलर्ड होते हैं और इनमें भी इनमें ये इन्फीरियर होते हैं। एंड्रोसियम की बात करें तो स्टैमंस इनके अंदर 5 होते हैं जो कि एपिपेटेलस होते हैं, ये एपिपेटेलस कंडीशन होती है जब पेटल्स से स्टैमंस जुड़े हुए होते हैं। पॉलीएंड्रस होते हैं यानी कि सारे के सारे स्टैमंस एक दूसरे से फ्री होते हैं। ऑल्टरनी पेटल्स होते हैं यानी कि पेटल्स के ऑल्टरनेट सिक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंट्स इंसर्टेड डीप इन द कोरोला ट्यूब, जो कोरोला ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ हुआ होता है उसके अंदर इंसर्टेड होते हैं। एंथर्स इनके डाइथिकस होते हैं, ज़्यादातर बेसी फिक्स्ड या डॉर्सी फिक्स्ड फिलामेंट इनमें पाया जाता है। इंटरोज होते हैं और इन्फीरियर कंडीशन देखने को मिलती है। गाइनोसियम की बात करें तो बाइकार्पलरी यानी कि द्वि अंडपी इनमें ओवरी होती है। सिनकार्पस होती है यानी कि जो कार्पस हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, ओवरी इनकी सुपीरियर होती है, बाइलेकुलर होती है। और जबकि हिनोनिया की बात करें तो इसके अंदर यूनिलोक्युलर ओवरी देखने को मिलती है। एग्जाइल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है, इनका जो प्लेसेंटा है वो स्वॉलन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके अंदर प्लेसेंटा स्वॉलन पाया जाता है, यहाँ पर आप देखिए प्लेसेंटा स्वॉलन है। एक लॉक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिलते हैं। अगर आप टमाटर के फ्रूट को जब काटते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ओव्यूल जो हैं वो एक लॉक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो ओवरी है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है यानी कि तिरछी होती है। कुछ केसों में कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें नेक्टरीफेरस डिस्क जो है इसके गाइनोसियम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टाइल इनकी सिंपल होती है और स्टिग्मा जो है वो या तो बाइफिड होता है या फिर कैपिटेट होता है। फ्रूट एंड सीड की बात करें तो फ्रूट या तो इनमें कैप्स्यूल होता है या फिर बेरी फ्रूट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और सीड्स जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ये फ्लोरल डायग्राम है डेट्यूरा मेटल का, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है EBR, मींस इनके अंदर ब्रैक्स जो हैं प्रेजेंट नहीं होते। EBRL यानी कि ब्रैक्टियोलेट भी इसमें सह पत्रिका भी उपस्थित नहीं होती। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममित होते हैं, इस सिंबल का मतलब है बाइसेक्सुअल होते हैं। देन अब यहां से यहां का मैं ऊपर आपको बता रही हूं कि 5 यानी कि जो सेपल्स हैं 5 ब्रैकेट में है, मतलब कि गैमोसेपलस कंडीशन होती है। देन कोरोला 5, ठीक है, यानी कि जो पेटल्स हैं वो भी 5 होते हैं और ये भी कैसी कंडीशन होती है, गैमोपेटलस कंडीशन होती है। एंड्रोसियम इनके अंदर 5 होते हैं और जब ये ऊपर ऐसे निशान लगाते हैं इसका मतलब होता है कि जो स्टैमंस हैं वो पेटल से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसके बाद है G2 यानी कि जो ओवरी है वो कैसी होती है, बाइकार्पलरी होती है। और जब हम बात करते हैं सुपीरियर ओवरी की तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके ऊपर निशान लगाते हैं। तो ये इसका है फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फ्लोरल फॉर्मूला।
अब मेंबर्स देख लेते हैं, ये जो फैमिली है इसमें फूड मेंबर्स यानी कि इडिबल मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू, सोलेनम मेलोनजिना यानी कि बैंगन, लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम यानी कि टमाटर, कैप्सिकम एनुअम यानी कि मिर्ची, और इसे हम वेजिटेबल्स के रूप में इन सबको यूज़ करते हैं। फाइसेलिस पेरुवियाना जिसे हम रस भरी कहते हैं, इससे एडिबल बेरीज प्राप्त होती है यानी कि जिनके फ्रूट्स हैं उन्हें हम खाते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स इनमें पाए जाते हैं, एट्रोपा बेलोडोना इसके अंदर एक एल्कलॉइड एट्रोपीन पाया जाता है जिसका यूज किस में किया जाता है, बेलोडोना प्लास्टर बनाने में किया जाता है। एट्रोपीन का यूज आई टेस्टिंग में किया जाता है। निकोटियाना टेबेकम यानी कि जो तंबाकू है इससे निकोटीन जो है वो यील्ड होता है। हायोसाइमस नाइगर, सोलेनम नाइगर, डेट्यूरा स्ट्रोमोनियम, विथानिया सोमनीफेरा, ये सारे के सारे ही मेडिसिनल प्लांट हैं। नार्कोटिक्स की बात करें तो तंबाकू जो है उसकी जो लीव्स होती है, टोबेको की जो लीव्स हैं उससे क्या प्राप्त होता है, उससे जो तंबाकू प्राप्त होता है वो सिगार, बीड़ी, जर्दा, च्यूइंग यानी कि चबाने के काम आता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं पिटूनिया, सेस्ट्रम, लाइकियम, सेल्पीग्लोसिस, साइजेंटिस, ये सारे के सारे गार्डन के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाए जाते हैं। तो ये थी फैमिली सोलेनेसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली जिसमें हमारी ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं इसी के अंदर आती हैं, जो हमारी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं वो। तो आई होप सोलेनेसी की टैक्सोनॉमी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और फैमिली के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। Thank you.